नमस्कार, हिंदी एजुकेशनल चैनल में मैं आपका स्वागत करता हूं। आज मैं आपके समक्ष हिंदी साहित्य के श्रेष्ठ व महान नीतिकार वृंद या वृंदावन दास जी के कुछ अनमोल दोहों को लेकर उपस्थित हुआ हूं। वृंद के दोहे कई दृष्टियों से महत्वपूर्ण हैं, तो आइए अब मैं आपके समक्ष इस वीडियो के माध्यम से वृंद या वृंदावन दास जी द्वारा रचित कुछ अनमोल दोहों के शब्दार्थ सहित अर्थ या भावार्थ आपके समक्ष अत्यंत ही सरल भाषा में प्रस्तुत करता हूं। इसे आप ध्यान देकर सुनिएगा। वृंद या वृंदावन दास जी द्वारा रचित अनमोल दोहों के शब्दार्थ सहित अर्थ या भावार्थ। चौथा दोहा, सबय सहायक सबल के को न निबल सहाय, पवन जगावत आग को दीपही देत बुझाए। उपर्युक्त दोहा में जो कठिन शब्द उभर कर आए हुए हैं, मैं उन कठिन शब्दों के अर्थ को आपके समक्ष बतलाने की कोशिश करता हूं। ध्यान देकर सुनिएगा। कठिन शब्दों के अर्थ, सबल यानी बलवान या ताकतवर, कौन यानी कोई नहीं, निर्बल या निबल यानी कमजोर, पवन यानी हवा, जगावत यानी जगा देना या भभका देना। संदर्भ, प्रस्तुत पंक्तियां हमारी पाठ्य पुस्तक के नीति के दोहे नामक पाठ से ली गई है। इस पाठ के रचयिता हिंदी साहित्य के श्रेष्ठ व महान नीतिकार वृंद या वृंदावन दास जी हैं। ये रीति काल के आरंभिक कवियों में से एक हैं। प्रसंग, प्रस्तुत दोहा रीति काल के महान कवि वृंद द्वारा रचित है। इस दोहा में कवि वृंद ने यह बतलाया है कि इस संसार में एक ही व्यक्ति का सबल और निर्बल के प्रति समय समय पर अलग अलग व्यवहार होता है। कवि वृंद ने इस दोहा में एक ही हवा का आग और दिए पर भिन्न भिन्न प्रभाव का उदाहरण सबल और निर्बल व्यक्ति के संदर्भ में दिया है। अर्थ या भावार्थ, मैं एक बार पुनः इन पंक्तियों को पढ़ता हूं, ध्यान देकर सुनिएगा। सबय सहायक सबल के कौन निबल सहाय, पवन जगावत आग को दीपही देत बुझाय। यानी वृंद इस दोहा में मानव मात्र को संदेश देते हुए कहते हैं कि हे मनुष्य, इस संसार में बलवान की सहायता तो सभी करते हैं, पर निर्बल यानी कमजोर व्यक्ति की सहायता कोई नहीं करता है। कवि वृंद ने अपनी बात को स्पष्ट करने के लिए हवा का आग और दिया पर भिन्न भिन्न प्रभाव का वर्णन उदाहरण के तौर पर बड़े ही सुंदर ढंग से समझाया है। हवा एक ऐसे व्यक्ति का प्रतीक है जो दो तरह का व्यवहार करता है। हवा का आग के साथ अलग व्यवहार होता है क्योंकि वह शक्तिशाली है, जबकि दिए के साथ उसका अलग व्यवहार होता है क्योंकि
वह कमजोर है, वह निर्बल है। अगली पंक्ति देखिए, पवन जगावत आग को दीप ही देत बुझाए। अर्थात जिस प्रकार एक ही हवा आग को, जो शक्तिशाली का प्रतीक है, को जला देती है, क्योंकि वह सबल है, वह ताकतवर है। परंतु ठीक इसके विपरीत दिए को बुझा देती है, क्योंकि वह निर्बल है, वह कमजोर है। प्रस्तुत दोहा में कवि वृंद ने एक ही हवा का आग और दिए पर पड़ने वाले भिन्न भिन्न प्रभाव का उदाहरण देकर सबल और निर्बल के संदर्भ में दिया है। दरअसल इस संसार में केवल शक्तिशालियों या बलवानों की ही पूजा होती है, उनका सम्मान होता है, सभी लोग उनसे डरते हैं, जबकि निर्बल या कमजोर को कोई नहीं पूछता है। निर्बलों या कमजोरों को सभी सताते हैं, उन्हें हानि पहुंचाने का प्रयास करते हैं। अतः इस संसार में एक ही व्यक्ति का सबल और निर्बल के साथ अलग अलग व्यवहार होता है। प्रस्तुत दोहा में कवि वृंद ने इसे बड़े सुंदर ढंग से समझाने का प्रयास किया है। पांचवा दोहा, कारज धीरे होत हैं काहे होत अधीर, समय पाए तरुवर फले केतक सींचो नीर। आइए इस दोहा में जो कठिन शब्द दिखलाई दे रहे हैं, मैं उन शब्दों के अर्थ को आपके समक्ष प्रस्तुत करता हूं, ध्यान देकर सुनिएगा। शब्दार्थ, कारज यानी कार्य, काहे यानी क्यों, अधीर यानी बेचैन, तरुवर यानी पेड़, फले यानी फल देते हैं, केतक यानी कितना ही, सींचो यानी सींचना या पानी देना, नीर यानी पानी। संदर्भ वही, प्रसंग, प्रस्तुत दोहा रीतिकाल के महान कवि वृंद द्वारा रचित है। इस दोहा में कवि वृंद ने यह बताया है कि सभी कार्य धीरे धीरे ही संपन्न होते हैं। जल्दीबाजी में कोई भी कार्य जल्दी सिद्ध नहीं होता है, जल्दीबाजी करने से काम गलत हो जाता है। अर्थ या भावार्थ, मैं एक बार पुनः इन पंक्तियों को पढ़ने की कोशिश करता हूं। कारज धीरे होत हैं काहे होत अधीर, समय पाए तरुवर फले केतक सींचो नीर। कवि वृंद इस दोहा में मानव मात्र को संदेश देते हुए कहते हैं कि हे मनुष्य, तुम आखिर इतना उतावला क्यों हो रहे हो? याद रखो, प्रत्येक कार्य का अपना एक निश्चित समय होता है। सभी कार्य धीरे धीरे ही संपन्न होते हैं। कोई भी काम न तो समय से पहले होता है और न ही समय के बाद। सभी काम अपने सही समय पर ही होते हैं। अतः हमें कभी भी उतावला या अधीर या बेचैन नहीं होना चाहिए, बल्कि हमें सही वक्त का इंतजार करना चाहिए। अर्थात जल्दीबाजी करने से कोई भी कार्य समय से पहले संपन्न नहीं होता है।
अगली पंक्ति देखिए, समय पाए तरुबर फलें केतक सींचो नीर, यानी कवि ने अपनी बात को स्पष्ट करने के लिए उदाहरण देते हुए कहा है कि जिस प्रकार पानी से चाहे तुम किसी पेड़ या पौधे की कितनी भी सिंचाई क्यों न करो, अर्थात किसी भी पेड़ या पौधे को तुम लाख पानी दो, कोई भी पेड़ समय से पहले फल नहीं देगा या देता है, समय आने पर ही उसमें फूल आते हैं तथा फल लगते हैं। अतः कोई भी कार्य समय आने पर ही सिद्ध होता है, समय से पहले और समय के बाद कुछ भी नहीं होता है। जल्दीबाजी करने से कोई भी कार्य समय से पहले संपन्न या कार्य नहीं होता है। जल्दीबाजी करने से काम अक्सर गलत हो जाता है। अतः इस दोहा में कवि वृंद ने यह बतलाया है कि सभी कार्य धीरे धीरे ही संपन्न होते हैं, जल्दीबाजी में कार्य सिद्ध नहीं होता है, बल्कि जल्दीबाजी में काम गलत हो जाता है, यानी जल्दीबाजी करने से हमें कोई भी फायदा नहीं होता है। अतः हमें सही वक्त का इंतजार करना चाहिए। छठवां दोहा, नीकी पै फीकी लगे बिनु अवसर की बात, जैसे बरनत युद्ध में रस श्रृंगार न सुहात। उपर्युक्त दोहा में जो कठिन शब्द दिखलाई पड़ रहे हैं, मैं उन कठिन शब्दों के अर्थ को आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूं, इसे आप ध्यान देकर सुनिएगा। शब्दार्थ, नीकी यानी अच्छी, पै यानी पर, फीकी यानी बुरी या नीरस, लगे यानी लगता है, अवसर यानी मौका, वर्णत यानी वर्णन, रस श्रृंगार यानी प्रेम संयोग वियोग आदि का वर्णन, न सुहात यानी अच्छा नहीं लगना। संदर्भ वही, प्रसंग, प्रस्तुत दोहा रीति काल के महान कवि वृंद द्वारा रचित है। इस दोहा में कवि वृंद ने मानव मात्र को यह संदेश दिया है कि हमें मौके के अनुसार ही बातें करनी चाहिए, अर्थात हमें समय देखकर ही अपनी बातें कहनी चाहिए। अर्थ या भावार्थ, आइए मैं फिर से एक बार इस दोहा को पढ़ता हूं। नीकी पै फीकी लगे बिन अवसर की बात, जैसे बरनत युद्ध में रस श्रृंगार न सुहात। कवि वृंद इस दोहा में मानव मात्र को अपने जीवन का अनुभव बतलाते हुए कहते हैं कि हे मनुष्य, हमें कोई भी बात सोच समझकर करनी चाहिए तथा समय देखकर बातें करनी चाहिए, कारण अच्छी बातें भी अनुचित अवसर पर कही जाए तो वह भी बुरी लगती है, यानी वह भी अप्रिय लगने लगती है। जैसे बरनत युद्ध में रस श्रृंगार न सुहात, कवि ने अपनी बात को स्पष्ट करने के लिए उदाहरण देते हुए कहा है कि जैसे युद्ध का वर्णन करते समय युद्ध की ही बातें होनी चाहिए, श्रृंगार अथवा प्रेम की बातें बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, क्योंकि यह उपयुक्त समय नहीं है, अर्थात समय के अनुसार ही हमें
युद्ध की बातें अथवा समय के अनुसार ही हमें प्रेम श्रृंगार की बातें करनी चाहिए या होनी चाहिए। युद्ध का वर्णन करते समय श्रृंगार अथवा प्रेम की बातें नहीं करनी चाहिए और श्रृंगार अथवा प्रेम की बातें करने के समय युद्ध का वर्णन अथवा युद्ध की बातें नहीं होनी चाहिए, क्योंकि यह दोनों ही बातें एक दूसरे के विपरीत है। कारण यह है कि अच्छी बातें भी अनुचित अवसर पर कही जाए तो वह भी बहुत ही बुरी लगती है, यानी वह भी अप्रिय लगने लगती है। इसलिए प्रत्येक मनुष्य को चाहिए कि वह समय के अनुसार ही कार्य करे। समय के अनुसार कार्य करने पर उसका प्रभाव बहुत ही अच्छा पड़ता है। अतः मनुष्य को चाहिए कि वह उचित अवसर देखकर ही अपनी बातें कहे, ताकि उसका बहुत ही अच्छा प्रभाव पड़े। अन्यथा अच्छी बातें भी अनुचित अवसर पर कही जाए तो वह भी बुरी लगती है, यानी वह भी अप्रिय लगने लगती है, वह नीरस लगने लगती है। जैसे श्रृंगार रस मूलतः प्रेम संयोग वियोग आदि का वर्णन में प्रयोग किया जाता है, किंतु अगर इसे युद्ध वर्णन के लिए प्रयोग में लाया जाए तो वह बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा, यानी बिल्कुल उसका बुरा प्रभाव पड़ेगा। अतः इस दोहा में कवि वृंद ने मानव मात्र को यही संदेश दिया है कि हमें मौके के अनुसार ही बातें करनी चाहिए, अर्थात हमें समय देखकर ही अपनी बातें कहनी चाहिए। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगता है तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और तो और सब्सक्राइब करना आप बिल्कुल नहीं भूलें। याद रखिएगा, मेरा यह वीडियो, मेरा यह चैनल एक एडुकेशनल चैनल है। मैंने इस चैनल का निर्माण विद्यार्थियों के हित को ध्यान में रखकर ही बनाया है। अतएव लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना आप बिल्कुल नहीं भूलें। और हाँ, यदि मेरे वीडियो में अगर आपको कहीं भी किसी प्रकार की कोई त्रुटि या कोई कमी नज़र आती है तो आप सप्रमाण कमेंट्स करें, ताकि मैं उन गलतियों का सुधार कर सकूं और आपके समक्ष एक बहुत ही सुंदर छात्रोपयोगी वीडियो बनाकर प्रस्तुत कर सकूं, ताकि आप अधिक से अधिक उसका लाभ उठा सकें। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।